रेवाड़ी में बाल दिवस पर बाल भवन में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाल महोत्सव में प्रतिभागी विद्यार्थियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। आरपीएस धारूहेड़ा के नाम रही ओवरऑल ट्रॉफी, जबकि राज इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थी दूसरे नंबर पर रहे। डीसी और जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बाल भवन में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। डीसी ने कहा, माता पिता बच्चों पर अनावश्यक दबाव न डालें, उन्हें अपनी मर्जी से करियर बनाने दें। रेवाड़ी में बाल दिवस पर शहर के मॉडल टाउन स्थित बाल भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डीसी अशोक कुमार गर्ग और सेशन जज विमल कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। डीसी अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि बच्चों के माता पिता व अभिभावक बच्चों को उनकी रुचि व इच्छानुसार पढ़ाई करने दें। वे बच्चों को आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, जज या इंजीनियर बनने के लिए उन पर दबाव न बनाएं। उन्होंने कहा कि दबाव के कारण बच्चों पर तनाव बढ़ता है और बच्चे अपनी रुचि व इच्छानुसार आगे नहीं बढ़ पाता और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। डीसी अशोक कुमार गर्ग सोमवार को बाल भवन परिसर में जिला बाल कल्याण परिषद की ओर से आयोजित जिला स्तरीय बाल दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि माता पिता को अपने बच्चों को उनकी रुचि व इच्छानुसार पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इससे उनका मन प्रफुल्लित होगा और वे बिना किसी दबाव व तनाव के अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकेंगे, जिससे उनका सर्वांगीण विकास होगा। उन्होंने कहा कि बाल अवस्था टहनी के समान होती है, जिसे जिस दिशा में मोड़ा जाए वह मुड़ जाती है। इसलिए अध्यापकों व अभिभावकों का चाहिए कि वे बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार देकर उनका चरित्र निर्माण करें। उन्होंने बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। डीसी ने कहा कि बच्चे देश के कर्णधार हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे स्वस्थ, शिक्षित और चरित्रवान होंगे तो देश प्रदेश उन्नति व तरक्की करेगा। उन्होंने कहा कि हमें भी जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते उनके जीवन में शिक्षा की लौ जलाकर अज्ञानता का अंधकार दूर करने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने शिक्षकों का आह्वान किया कि वे बच्चों को शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती व मनोरंजन भी करने दें ताकि वे तनाव मुक्त रहें। अध्यापकों को चाहिए कि वे बच्चों में आपसी सहयोग व साथ की भावना विकसित करें, न कि एक दूसरे से आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा की भावना। डीसी ने कहा कि सरकार बच्चों के चहुंमुखी विकास के लिए कृतसंकल्प है, जिसके लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। सरकार का फोकस बच्चों की प्रतिभा और रुचि के हिसाब से उन्हें स्किल्ड बनाने पर है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को चाहिए कि वे केवल डिग्री धारक युवा तैयार न करें। हमारे युवा स्किल्ड, कॉन्फिडेंट, प्रैक्टिकल और कैलकुलेटिव होने चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए प्लेटफॉर्म जमीन तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि कोई बच्चा शिक्षा के ज्ञान से वंचित न रहे, इसके लिए डिजिटल सशक्तिकरण पर बल दिया जा रहा है। उन्होंने डिजिटल सशक्तिकरण और ऑनलाइन शिक्षा पर प्रकाश डालते हुए इसे प्रत्येक विद्यार्थी तक कम खर्च में शिक्षा का ज्ञान पहुंचाने का सशक्त माध्यम बताया। डीसी अशोक कुमार गर्ग का कहना है कि वे गरीब व निर्धन बच्चों में शिक्षा की अलख जगाने के लिए प्रयासरत हैं। उनकी एक ही सोच है कि आर्थिक अभाव में कोई भी बच्चा अच्छी शिक्षा पाने से वंचित न रहे। मानव जीवन में शिक्षा व साक्षरता का विशेष महत्व है। शिक्षा के माध्यम से गरीब बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता है। यह बच्चों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करते हुए सामाजिक विकास का आधार स्तंभ बन सकती है। नौजवानों व सेवानिवृत्त व्यक्तियों को चाहिए कि वे जनहित में अपने व्यस्त समय में से थोड़ा समय गरीब व निर्धन बच्चों को शिक्षित करने के लिए निकालें। जिला एवं सत्र न्यायाधीश व चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी विमल कुमार ने समारोह को संबोधित करते हुए उपस्थित विद्यार्थियों को बाल दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, बाल जीवन तनाव रहित व बेफिक्र होता है तथा इस अवस्था में बच्चे खूब मौज मस्ती करते हैं और यह स्वाभाविक भी है। उन्होंने कहा कि बच्चों को मौज मस्ती व खेलकूद के साथ साथ शिक्षा की ओर भी ध्यान देना चाहिए। यदि बच्चे अच्छी किताबों से दोस्ती कर लेता है तो किताबें सचमुच एक सच्चे दोस्त की तरह जीवन भर साथ देती हैं। आवश्यकता इस बात की है कि बच्चों के आसपास इस तरह का वातावरण निर्मित किया जाए कि वे स्वतः पुस्तकों की ओर आकृष्ट हों, उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित हों। यदि हम चाहते हैं कि देश का भविष्य उज्ज्वल हो तो हमें बच्चों के चहुंमुखी व्यक्तित्व विकास की ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि आज के बच्चे ही कल देश के कर्णधार होंगे। इस अवसर पर जीएसएसएस बिथवाना की छात्रा अंशिका ने हरियाणा के राज्यपाल एवं हरियाणा बाल कल्याण परिषद के अध्यक्ष श्री बंदारू दत्तात्रेय का शुभ संदेश पढ़कर सुनाया। समारोह में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर समा बांध दिया।
इससे पहले डीसी अशोक कुमार गर्ग व जिला एवं सत्र न्यायाधीश व चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी विमल कुमार ने विद्या की देवी मां सरस्वती व पूर्व प्रधानमंत्री स्व श्री जवाहरलाल नेहरू के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित व पुष्पांजलि अर्पित कर जिला स्तरीय बाल दिवस समारोह का विधिवत आगाज किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रतिभावान व मेधावी विद्यार्थियों को मोमेंटो व प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया। इस अवसर पर दालसा सचिव एवं सीजेएम वर्षा जैन, जिला बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष एवं डीसी अशोक कुमार गर्ग की धर्मपत्नी रजनी गर्ग, एसडीएम रेवाड़ी होशियार सिंह, डीडीपीओ एचपी बंसल, जिला बाल कल्याण अधिकारी वीरेंद्र सिंह यादव, रिपुदमन गुप्ता, रत्नेश बंसल, मान्या सिंह, डा ज्योत्सना यादव सहित विभिन्न स्कूलों के बच्चे, अध्यापक, माता पिता, अभिभावक व गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। घड़ी आ रही है ट्रॉफी मैं निवेदन करूंगा श्री वीरेंद्र जी यादव से वाइस प्रेसिडेंट मैडम रजनी गर्ग को एक स्मृति चिन्ह दे के एक आज के प्रोग्राम की यादगार मैडम को एक स्मृति चिन्ह देकर आप Thank you.
श्री विमल कुमार जी, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रेवाड़ी का मैं यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हमारे जिला के उपायुक्त श्री अशोक कुमार गर्ग, जो कि हमारे जिला बाल कल्याण परिषद के प्रधान भी हैं, उन्हीं के देखरेख में जो गतिविधियाँ यहाँ पर चलती हैं वो सर का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। और मैं इस आज के अवसर पर एक जरूर ये मेंशन करूँगा कि जो बच्चों को आज सर्टिफिकेट दी गई हैं, वो बच्चे आप देख लीजिए, सर ने हर सर्टिफिकेट पे खुद साइन किए हैं। अब आप देख लीजिए कितनी सर्टिफिकेट थी, सर ने ये कहा कि मैं सब पे साइन करूँगा, तो सब बच्चों पे सर का पूर्ण आशीर्वाद है। और साथ ही आज हमारे बीच मैडम वर्षा जैन जी, CGM और सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी भी हमारे बीच में है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। मैडम रजनी गर्ग जो हमारी वाइस प्रेसिडेंट हैं जिला बाल कल्याण परिषद की, उनके भी देखरेख में परिषद काफ़ी प्रोग्रेस कर रही है। और मैडम का मैं बता दूं कि जब भी 12 दिन का हमारा प्रोग्राम था, मैडम हमेशा इसमें बच्चों के साथ बने रहे, बच्चों का आशीर्वाद देते रहे। और आज हमारे बीच में DDPO HP बंसल साहब हैं, SDM साहब रेवाड़ी श्री होशियार सिंह जी, और रिपुदान गुप्ता जी सोशल वर्कर हैं, ये भी हमारे साथ बने रहते हैं। और कॉलेज के प्रिंसिपल, स्कूल्स के प्रिंसिपल, हमारे रिटायर्ड CEO और बच्चे और उनके टीचर्स, उनके गार्डियन, उनके पेरेंट्स, और जो पत्रकार छायाकार जो साथी हैं, उन्होंने भी 12 दिन जो हमारा साथ दिया, आज भी साथ देंगे सभी। मैंने सोचा कि आप लोगों को उपदेश देना सारे प्रोग्राम को खराब कर दे, क्योंकि उपदेश तो बच्चे सुनते ही रहते हैं, घर में भी, टीचर से भी। तो मैं बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि उपदेश सुने, लेकिन जो पसंद आए उसको लागू करें, जो पसंद ना आए उसको छोड़ दें। बचपन जो है हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है, उस बचपन को एंजॉय करें, जिए उसको। और मैं टीचर्स को और पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ, ठीक है आगे कंपटीशन बहुत है, पता नहीं कैसे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन उसके चक्कर में इनका बचपन खराब ना करें। और ये भी कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे अपने बचपन को अच्छे तरीके से जीते हैं वो जिंदगी में ज़रूर कामयाब होते हैं। हालांकि आजकल समय बदल गया है, लगभग 40 साल पहले हम भी बच्चे थे, लेकिन मुझे लगता है कि हमने अभी 3 साल पहले गेट टुगेदर किया था हमारे 10वीं वाले बैच का, तो ये देखा कि जो बच्चे ज़्यादा मज़े करते थे बचपन में वो सारे कामयाब हैं। और 10वीं तक जिसकी जैसी नेचर बन गई वो बुढ़ापे में भी चेंज नहीं होती, वो वही रहती है। आजकल हम बच्चों से बात करते हैं तो बड़ा दुख होता है, कई बार बहुत से गेम ऐसे थे जो हम खेला करते थे बच्चों को पता ही नहीं। जैसे मैं नाम लूंगा, घोड़ा कबड्डी खेलते थे हम। आज 14 नवंबर के अवसर पर आज बाल दिवस जिला बाल कल्याण परिषद ने मनाया है, और आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री विमल कुमार जी, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज रेवाड़ी, उनके साथ उपायुक्त रेवाड़ी, प्रधान जिला बाल कल्याण परिषद रेवाड़ी श्री अशोक कुमार गर्ग और मिसेज रजनी गर्ग और CGM वर्षा जैन, एवं अन्य अतिथिगण, DDPO साहब HP बंसल जी और हमारे सोशल वर्कर रितु धवन जी, काफ़ी लोग डिग्निटीज ने भाग लिया है और बच्चों ने भी बहुत अधिक संख्या में भाग लिया है, जितना सोचा था उससे कहीं अधिक संख्या में बच्चे आए हैं। और जिला बाल कल्याण परिषद ने लगभग 700 बच्चों को सम्मानित किया है, उसके साथ ओवरऑल ट्रॉफी
5 स्कूलों को दिए हैं, और जिस तरह से प्रोग्राम बन रहा था सभी बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया है, और सभी टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, तो हम तो यही कहेंगे कि जो बच्चे प्राइज नहीं जीत पाए वो मतलब निराश न हो। ये तो एक मंच है जिस पर मतलब हार जीत कोई मायने नहीं रखती, सिर्फ मंच पर आना एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रहता है। ओवरऑल ट्रॉफी कॉन्सोलेशन में 2 स्कूल हमारे थे, कैनाल वैली, और जो फर्स्ट आया है वो आरपीएस धारवाड़ा, और राज इंटरनेशनल सेकंड है, और रनर अप है जो हमारा सेकंड वो आरपीएस रेवाड़ी है। हाँ, लगभग 700 बच्चों को सम्मानित किया गया, और प्रोग्राम जब बच्चे कहेंगे अच्छा है तब प्रोग्राम अच्छा है, मेरे कहने से तो प्रोग्राम मतलब अनएक्सपेक्टेड था कि इतने बच्चों ने भाग लिया। लगभग 1500 बच्चे यहाँ पर उपस्थित थे, उनके टीचर्स थे, उनके प्रिंसिपल्स थे, कॉलेज के प्रिंसिपल थे, तो सभी ने यहाँ पर काफ़ी मतलब हर्षोल्लास से इसमें भाग लिया। हाँ, इसको हम बहुत अच्छा ही बोलेंगे। जब हम सोच रहे थे कि 1000 बच्चे आएंगे, उसकी जगह 2000 के आसपास गैदरिंग थी,